While talking about challenges and uh, issues related to informed consent, I have talked about some of the problems which are very much the parcel of the layout of the informed consent, but there could be some which are related to the participants as well. So participants' perception is an important challenge for the researcher to be looked at when informed consent is being dealt. Most participants perceive that study trials will put extra burden on them. So, receiving an informed consent from them is difficult. For example, in some clinical trials, disclosing too much information of the potential side effects may unnecessarily scare the patients and they may take them away from the study. For instance, I give you an example. When we side effects of medicine, maximum minimum to maximum. Let's say we talk about the simple side effects of पेनाडोल एक्स्ट्रा तो वो डिजीनेस से लेके वमिटिंग और उसके एक्सेसिव यूज़ के लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी रिपोर्ट हो सकती है सो so, उसके मल्टीपल जो है वो आपको साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे इसी तरह अगर हम एक्सप्लिसिटली हर तरह के साइड इफ़ेक्ट्स उस रिसर्च में पार्टिसिपेट होने के इनफॉर्म कंसेंट में डॉक्यूमेंट कर देते हैं तो पार्टिसिपेंट की जो परसैप्शन है वो ये होती है कि ये बहुत ही हार्मफुल स्टडी है और इसमें पार्टिसिपेट करने से मुझे बहुत सारे पोटेंशियल थ्रेड्स हो सकते हैं तो दे मे यू नो जस्ट सिंपली रिफ्यूज टू बी द पार्ट ऑफ दैट जबकि इन फैक्ट वो कोई इतनी ड्रटफुल स्टडी ना हो वो कोई इतनी ज़्यादा हार्म प्रोड्यूस करने वाली स्टडी ना हो लेकिन क्योंकि एक्सप्लिस एवरी थिंग हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर द क्लॉजेज एंड अंडर द एलिमेंट्स ऑफ इन्फॉर्म कंसर्न तो वो देखने में एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो हैवी स्टडी लग रही होती है और पार्टिसिपेंट उसमें पार्टिसिपेट करने से अवॉइड करने लग जाते हैं देन टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन Where research involves children, which are particularly under age of 18, consent has to be obtained from parents, as we earlier mentioned. If child is above 7 years of age, then child assent is also mandatory. Yani se bhi ye puchna, agar wo 7 saal ki umar research participate is important and this is known as child assent. Because in some situations, parents give their consent while child refuses to assent. ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पेरेंट्स उस स्टडी को समझें कि ये बच्चे के लिए एक अच्छा मौका है लर्न करने का और वो उसको अलाउ uh, कर दें लेकिन बच्चा ख़ुद अनकंफर्टेबल हो और वो कहे कि मैं इस रिसर्च स्टडी का पार्टिसिपेट पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहता मे बी वो कोई सिंपल जो है वो रनिंग की स्टडी है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर रन करते हैं बच्चे जो रन करते हैं तो उसके बाद वो कितनी थ्रिल फील करते हैं एक्साइटमेंट फील करते हैं पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं लेकिन वो बच्चा कहता है वो इस रनिंग स्टडी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता क्योंकि उसके बाद उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है जो उसको डिस्कम्फर्ट देती है द चाइल्ड असेंट इज ऑल्सो इम्पॉटेंट इफ द चाइल्ड इज अब द एज ऑफ सेवन देन वर्नरेबल पीपल एंड ग्रुप्स इट इंक्लूड्स पीपल हु आर एब्सोलूटली और रेलेटिवली इनकेपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर इंटरेस्ट तो वर्नरेबल पॉपुलेशन जो अपने इंटरेस्ट को खुद प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हैं उनके लिए भी हमें इन कंसेंट के क्लॉजेस को देखना पड़ता है फॉर एग्जाम्पल वर्किंग विद पीपल विथ सम लर्निंग और अदर डिसबिलिटीज स्पेशल केयर नीड टू भी टेकन वायर टेकिंग कंसेंट फ्राम देम क्योंकि अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं है कि वो पूरी तरह से इनफॉर्म कंसेंट को समझ सकें तो हमें उन्हें या तो समझाने के लिए उन्हें ईजी वर्ड्स में बताना पड़ता है या फिर हम कुछ स्पेशल सर्कमस्टिस में आ, उनकी जो इनफॉर्म कंसेंट है उसके कुछ एलिमेंट्स को वेव भी कर सकते हैं देन अनदर इम्पोर्टेंट थिंग विच इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग इज द फॉर्मेट इफ़ द मेटीरियल इज कॉम्प्लेक्स एंड पार्टिसिपेंट्स मे हैव डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग द मेटीरियल द आई आर पी मे सजेस्ट दैट रिसर्चर्स फॉर्मेट देर कंसेंट पर फॉर्म्स तो दैट दे कुली रीडेबल एंड टू बी अंडरस्टैंड अगर वो बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखे हुए हैं ऐसे फॉर्मेट में लिखे हुए हैं ऐसे फॉर्ड साइज में लिखे हुए हैं उनकी स्पेसिंग इस तरीके से है कि वो ईजीली पढ़े और समझ नहीं जा रहे तो बहुत ज़रूरी है कि उनको ईजी तरीके के साथ डिस्क्राइब किया जाए ताकि सब पार्टिसिपेंट्स इजीली उसका हिस्सा बन सकें टेक्निक सच एज द फॉलोइंग कैन हेल्प टू अचीव दैट गोल ये कुछ यूनिवर्सल टेक्निक्स हैं जो सबको यूज करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द ए पी एस स्टैंडर्ड्स फॉलोइंग द एथिकल गाइडलाइंस बोल्ड फेस टाइटल विद इन द डॉक्यूमेंट हेडिंग्स दैट डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्टडी देन लिबरल यूज ऑफ वाइट स्पेस देन रीडेबल फॉन्ट साइज एंड बुलेट लिस्ट सो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आपने प्रॉपर हेडिंग्स दी हुई हैं बुलेट्स दी हुई हैं उसके अंदर आपने एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच में वाइट स्पेस दिया हुआ है और उसका फॉन्ट साइज आपने टाइम्स न्यू रोमन या कोई भी ऐसा जनरल फॉन्ट साइज रखा हुआ है जो बहुत ईजीली रीडेबल है क्योंकि बहुत फैंसी फॉन्ट साइज भी आते हैं जिसके अंदर चीज़ों को पढ़ना इतना आसान नहीं होता तो कन्वेंशनल फॉन्ट साइज जो हैं उनकी रीडिंग जो है वो हर पार्टिसिपेंट के लिए आसान होती है इसी तरह जगह अगर उसको उर्दू में टाइप किया जाता है एक्सक्लूसिवली तो उर्दू की भी कुछ टिपिकल राइटिंग्स हैं ईज़ी टू रीड हैं उन फोन साइज में करना चाहिए जैसे नस्तलीक हो गया या कोई इस तरह के uh, और टाइम न्यू रोमन हो गया ट्वेल्थ साइज हो गया तो वो ईज़िली रीडेबल होंगे तो ये चैलेंजेस अगर हम ओवरकम uh, कर लेते हैं तो इनफॉर्म कंसेंट का डॉक्यूमेंट एक बहुत अच्छा रीडेबल ईज़ी और कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट बन जाता है और उसको लेकर हमें अपनी रिसर्च में बहुत आसानी होती है और ईज़िली हम अपने पार्टिसिपेंट से इनफॉर्म कंसेंट फ़िल करा के फॉर्मली अपनी रिसर्च का स्टार्ट कर सकते हैं और एक बहुत मेजर माइलस्टोन जो एक बहुत एथिकल माइलस्टोन है इनफॉर्म कंसेंट साइन कराना हम उस प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से फुलफ़िल कर सकते हैं